वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 18 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 18 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर में से क्विज के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा नरेंद्र मोदी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कवर किए हैं। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अफगानिस्तान में किस डैम को बनाए जाने में सहायता प्रदान करने की घोषणा का पाकिस्तान ने विरोध किया? तो इसमें आंसर आएगा सैतुत डैम बनाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सैतुत डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा सैतुत डैम काबुल नदी पर बनाया जाएगा। भारत ने काबुल नदी बेसिन पर डैम बनाने में अफगानिस्तान सरकार की मदद करने का फैसला किया है, लेकिन भारत के इस कदम से पाकिस्तान नाराज हो गया। पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत काबुल के पास सैतुत डैम बनाएगा तो इससे नदियों के जल प्रवाह में कमी आएगी। और काबुल नदी हिंदुकुश पर्वत के संगलाक सेक्टर से निकलती है और काबुल, सुरबी और जलालाबाद होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा चली जाती है। जैसे कि आप मैप में अफगानिस्तान कंट्री को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, अफगानिस्तान कंट्री एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत और चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान कंट्री है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर में भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस कंट्री के साथ लगती है? तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान कंट्री के साथ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा, और डुरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड द्वारा वर्ष 1896 में किया गया था। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा ही होता था। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान को अलग करती है। वही अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी अहमद जई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2018 को भारतीय रेल की विरासत के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए कितने रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल स्क्रीन लॉन्च की है? तो इसमें आंसर आएगा 22 रेलवे स्टेशनों पर। और ये डिजिटल स्क्रीन भारतीय रेलवे की समृद्ध विरासत के विषय में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक अभिनव कम लागत वाला समाधान है। और इस परियोजना का लक्ष्य रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर और विभिन्न सुविधा सेक्टरों में डिजिटल LED स्क्रीन पर 1 से 2 मिनट लंबी फिल्म क्लिप के माध्यम से भारतीय रेल की विरासत को प्रदर्शित करना है। और वहीं भारत के वर्तमान के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में भारत के पहले हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ? तो इसमें आंसर आएगा मुंबई शहर में। और इसका जन्म मुंबई में स्थित बायखला चिड़ियाघर में 15 अगस्त को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने 2019 को किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के लिए यूनेफो को प्रस्ताव दिया है? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए।
और प्रेजेंट में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। और राधा मोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक जोस ग्राजियानो दा सिल्वा से आने वाले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का आग्रह किया है। और यूनेफो की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेफो का हेडक्वार्टर है रोम इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस सबसे पहले समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर ए जयतिलक, ये प्रेजेंट से पहले के चेयरमैन थे और प्रेजेंट में चेयरमैन बने हैं के एस श्रीनिवास। और इन्होंने नियुक्ति से पहले कृषि मंत्रालय में कृषि सहयोग विभाग और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट आता है एमपीईडीए या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगर आपसे इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, और इसका हेड ऑफिस है कोची केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा यह बीजिंग चीन में आयोजित किया गया, और यह अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिलोसॉफिकल सोसाइटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस बार का विषय था लर्निंग टू बी ए ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन पुलिस ने 15 अगस्त 2018 को भारत को बुद्ध प्रतिमा लौटाई है, यह नालंदा के संग्रहालय से कब चोरी हो गई थी? नालंदा संग्रहालय बिहार में स्थित है और यहां से चुराई गई गौतम बुद्ध की 12वीं सदी की कांस्य प्रतिमा ब्रिटेन ने भारत को लौटा दी है। स्कॉटलैंड यार्ड ने बुधवार को इंडिया हाउस में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह प्रतिमा ब्रिटेन में भारत के राजदूत वाई के सिन्हा को सौंपी है, और चांदी की कलमकारी वाली यह कांस्य मूर्ति 1961 में नालंदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के एक संग्रहालय से चुराई गई 14 मूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से परमाणु संधि समाप्त किए जाने के बाद अमेरिका ने एक्शन ग्रुप बनाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान से। और अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने ईरान के लिए देश की नीति के समन्वय और कार्य के लिए ईरान एक्शन ग्रुप के गठन की घोषणा की है, और आईएजी के गठन का उद्देश्य है ईरानी शासन के व्यवहार को बदलना है। जैसे कि आप मैप में ईरान को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, जब भी करंट में कोई भी टॉपिक चलता है, किसी भी कंट्री का नाम आता है, तो उसकी पोजीशन मैप में कहां पर है ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए कि वहां की राजभाषा क्या है, वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम है, वहां की मुद्रा क्या है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे यहाँ पे ईरान का नाम आया तो ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की राजभाषा है फारसी, ईरान की मुद्रा है रियाल, और ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। और आप ईरान के ऊपर एक झील को देख रहे हैं, इसका नाम है कैप्सिकियन सागर। यह एशिया की एक झील है और यह अपने बहुत बड़े साइज के कारण ही इसको सागर कहा जाता है, और मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपके पेपरों में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कैप्सिकन सागर। और ईरान, ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा इमरान खान के सहयोगी असर कैसर को नेशनल असेंबली का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहयोगी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कब करेंगे? तो इसमें आंसर आएगा आज 18 अगस्त 2018 को, और यह समारोह आज 18 अगस्त को ऐवान ए सद यानी प्रेसिडेंट हाउस में होगा, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम बोबाकर केता को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा माली कंट्री का।
जैसा कि आप मैप में माली कंट्री को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं। माली कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है और माली कंट्री की राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। और माली कंट्री के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बोबाकर केता, जो हाल ही में चुनाव जीतकर आए हैं। और माली कंट्री की राजभाषा है फ्रांसीसी। माली कंट्री को फ्रांस कंट्री से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और इसकी घोषणा 22 सितंबर 1960 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानी मेडिकल सेंटर पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो इसमें आंसर आएगा, यह पुरस्कार ईयर 2000 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2018 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को अल्बानी मेडिकल सेंटर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और ये 3 वैज्ञानिक है, जेम्स एलिसन, कार्ल जून और स्टीवन रोसेनबर्ग, और इन्हें इम्यूनोलॉजी में उनके शोध के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे कैंसर, एचआईवी और अन्य बीमारियों के लिए उपचार हुए हैं और वह इसमें $5 लाख के चिकित्सा पुरस्कार को साझा करेंगे। और ये सितंबर 2018 में अल्बानी न्यूयॉर्क में होने वाले इस समारोह में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, यह कार्यक्रम 18 अक्टूबर को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाएगा। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका एक श्रम संगठन है जो डायरेक्टर्स के रचनात्मक और आर्थिक अधिकारों और फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापनों, समाचार, खेल और अन्य मीडिया में कार्यरत निर्देशक टीम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह 1936 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जल स्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें आंसर आएगा, 4% की। इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 BCM यानी अरब घन मीटर है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 का लगभग 63% है। और इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण हेतु भारत के पहले अनुवंशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, हैदराबाद, अलवर, लखनऊ। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत द्वारा वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, ताइकोनॉट और व्योमनॉट। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।